बस वही प्रॉब्लम आज की जेनरेशन का कि डिफोकस्ड हैं, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है, और कोई भी डिजाइन उठा लो तो एआई जनरेटेड है या फिर कहीं से बोरो किया हुआ है। वेल, एक दो पोर्टफोलियो मिले मुझे ऑनलाइन, मैंने कांटेक्ट तो किया है, लेट्स सी। सर मैं आई कम इन। मुझे इश्क की इबादत करने दे। वेल यू आर ऑलरेडी इनसाइड, आइए। आप, ये आपका ऑफिस है? जी ऑफिस तो मेरा ही है, लेकिन आपको अगर कहीं और जाना है तो अलग बात है। नहीं नहीं, मुझे यहीं आना था। वो आपकी एलिवेशन डिजाइन के डिपार्टमेंट से मुझे कॉल आई थी। आपकी कंपनी में जो कंपटीशन था उसमें मेरा डिजाइन सिलेक्ट हुआ है। आइए। थैंक यू। मरियम नजीब, Why this particular field? आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकती थी, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकती थी, Why this field? मुझे एक्चुअली ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो शुरू से बहुत अच्छी लगती थी। उनका आर्किटेक्चर, उनका स्ट्रक्चर, डिजाइन, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी मुझे बहुत फैसिनेट करता था। और मैं बस अपने सवाल का जवाब ढूंढना चाह रही थी कि ये सब बनता कैसे है। Okay, fair enough. हमारा काम काफी आउटडोर फील्ड में होने का है, सो एज अ वुमन, एज अ लेडी, आपको अपनी स्किन सेंसिटिविटी इशू तो नहीं है? क्या ये सवाल इंटरव्यू का पार्ट है? मतलब मुझे इसका जवाब देना जरूरी है? वेल, दिस कुड बी वन ऑफ आवर कंसर्न, सो नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, शादी हो गई आपकी? जी? I'm sorry, मैं आपकी पर्सनल स्पेस इन्वेड नहीं करना चाह रहा, बस ये समझना चाह रहा हूँ हमको, ताकि पता हो कि काम पे फोकस कितना हो सकेगा, वर्कलोड कितना ले सकेंगी, बस। जी नहीं, मेरी शादी नहीं है। ओके, तो फिर आप कब से ज्वाइन कर सकेंगी हमें? एक्चुअली हमने जो आपका डिज़ाइन लेआउट देखा है, दैट्स एक्सेलेंट, स्पेशली आपने जो आउटडोर स्पेसेस डिज़ाइन किए हैं, स्पेस को जिस तरह से यूटिलाइज किया है, दैट्स अमेजिंग। आई होप इट्स नॉट एआई जनरेटेड और बोरोड फ्रॉम समवेयर। आपको मेरी काबिलियत पे शक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस आप बताइए आप हमें कब से ज्वाइन कर सकती हैं। अब मैं एक दो दिन में आपको बताती हूँ। चलें, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे इश्क़ की इबादत करने दे।